दोस्तों, आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे उपयोगी अंग हैं जिसका अगर एक भी कुछ मिसिंग हो जाए तो आपकी दिनचर्या में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उन्हीं उपयोगी अंगों में से एक है पैर। अगर जो आपके शरीर से गायब हो जाए या फिर किसी कारण अगर वो खराब हो जाए तो आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिससे आप कहीं जा नहीं पाएंगे, जिसे मिल नहीं पाएंगे या फिर आपको सामने इधर से उधर जाना आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और यही पैर आपको कई मुसीबतों में भी काम आता है, जैसे भागने के लिए और कई और चीज़ों में भी। पर क्या पता है कि ये पैर आपके पूरी ज़िंदगी में आपको इतना चला देती है कि आप 5 बार दुनिया का पूरा चक्कर लगा के वापस उसी जगह पर आ जाएंगे, फिर भी आपके पैर नहीं थकते और चलते ही रहते हैं। दोस्तों, हम जब किसी हिस्ट्री चीज़ों को पढ़ते हैं तो जो उनका इंफॉर्मेशन जो सोर्स लोगों को मालूम चलता है वो कई पुराने जगह या फिर खंडर से मिले हुए होते हैं। और यही खंडर या फिर पुराने जगहों में से हमें ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो हम आज के दिन अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। और इन्हीं कई जगहों में से एक भी है गुफाएँ, जहाँ से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली है अपने पूर्वज और अर्ली मैन से, जिसे हम आज भी पढ़ रहे हैं। पर आप जानते हैं जो केव या फिर गुफा जो वियतनाम में है वो इन सभी गुफाओं में से अलग है, क्योंकि ये एक गुफा नहीं बल्कि आप कह सकते हैं एक पूरा ही दुनिया है। क्योंकि अगर आप इस गुफा में जाएंगे, ये इतना बड़ा है कि आपको इसमें खुद के क्लाइमेट, खुद के जंगल, खुद के नदी मिल जाएगा। और ये गुफा कुछ 200 मीटर ऊंचा है, 150 मीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबा है। और इसका नाम है हांग सॉन्ग डुंग केव, जो वियतनाम में स्थित है। और आपको अगर इधर जाने का मिले तो आप जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसमें रहे तो आपको लगेगा कि आप एक दुनिया दूसरी दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी अलग नहीं लगेगा। पर आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया से नया दुनिया में आ चुके हैं। इंसानों को तो गाना सुनना बहुत पसंद है, और यह गाना उनके सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि जब हम खुश होते हैं तो उसके मुताबिक एक गाना होता है, जब हम दुखी होते हैं उसके मुताबिक हम एक गाना चला देते हैं जो हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट करता हो। और गाना सुनने से हम लोग का वो खुशी का लेवल या फिर दुख का लेवल बढ़ या फिर घट भी जाता है। और क्या आपको पता है कि साइंस ने यह प्रूव किया कि जैसा गाना हम सुनते हैं और उसी के आधार पर हमारा जो स्मार्टनेस या फिर डमनेस यानी जो हम लोग की बुद्धि होती है वो भी हम लोग को एक इशारा देती है कि हम सच्ची में बुद्धिमान है या फिर कुछ डफर जैसे है। जब हमें प्यास लगती है या फिर जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ हम एक तरल पदार्थ या फिर एक लिक्विड को भी सेवन करते हैं, और आप सभी को पता है कि वो पानी है। पर कभी आपने ये भी सोचा है कि आखिर वो कौन सा चीज़ है पानी के बाद जो दुनिया में सबसे अधिक पिया जाता है और जो पानी के बाद ही सबसे जाना जाता है? तो आप सब पता होना चाहिए कि वो और कुछ नहीं बल्कि भारत से जन्मा हुआ चाय है। और यही चाय दुनिया में 2 नंबर स्थान लेती है पानी के बाद। और आप सभी को ये खुश हो कि खासकर ये चाय दुनिया की और किसी देश में नहीं बल्कि ज़्यादातर असम और दार्जिलिंग जो हमारे भारत के स्टेट और सिटी है उसी से उगाए जाते हैं और पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। आज के इस आधुनिक और भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग इतना परेशान और टेंस रहने लगे हैं कि लोग कई बुरी आदतों का पालन कर रहे इन चीज़ों से निकलने के लिए, जैसे कि सिगरेट फूंकना, गुटखा खाना और कई आदि उनका जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जो अगर वो एक दिन भी पालन ना करे तो शायद उनका दिन ही अधूरा छूट जाए। पर अगर हम इन सारे बुरी आदतों जैसे कि गुटखा खाना, धूम्रपान करना, अगर इन सभी को एक साइड कर दें तो इन सभी में से एक और चीज़ जो लोगों के आंखों से दूर रहता है वो है हुक्का। आप क्या जानते हैं
ये हुक्का सेशन जो है, अगर एक ही सेशन आप कर ले तो आपके लंग्स में ये इतना तार डाल देगा कि ये लगभग एक बार में ही 25 सिगरेट फूकने के बराबर हो जाएगा। भारत में ऐसे कई सारे दिन और तारीख हैं जहां उन्हें बहुत ही खास महत्व दिया गया है, क्योंकि ये दिन खुद में ही बहुत एक खास महत्व रखते हैं और इसी महत्व के चलते भारत के लोग उस दिन बंद रखते हैं या फिर काम भी बंद रहते हैं और वो दिन बहुत ही खुश और उल्लास से मना रहे, क्योंकि ये दिन अपने में ही कुछ ऐसे खास समेटे बैठे रहते हैं। जैसे कि 15 अगस्त, जहां हमारे जवाहरलाल नेहरू पहली बार स्वतंत्र भारत के झंडे का परचम लहराया था, और जैसे कि 21 जून, जहां भारत से निकली हुई योगा दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब उन तारीखों में से जो बहुत ही महत्व है, और ऐसा ही एक महत्व तारीख है 25 जून 1983, जहां भारत का क्रिकेट टीम पहली बार विदेश से भारत के माटी में वर्ल्ड कप का ट्रॉफी लेकर आया था, जहां भारतीय क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ियों को ऐसा लग रहा था कि वो लोग ये खेल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनके ऑपोजिशन में वेस्ट इंडीज था जिनके पास बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी थे, और जो भारतीयों को लग रहा था कि उनका ये मुकाबला जीतना बहुत ही नामुमकिन है, पर भारत ने ये दिखा दिया कि वो लोग भी कुछ कर सकते, और उन्होंने अपना पहला ट्रॉफी भारत में लाया।